बहुत ज़्यादा धूप है। आप सब लोगों को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियोस क्यों नहीं बना रहे हो? बहुत ज़्यादा धूप है। हाय गाइस, गुड आफ्टरनून वंस अगेन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी जस्ट मैं लैब जा रही हूँ। जस्ट आपने देखा कि मैंने अपना लंच ख़त्म किया है, अराउंड 2 बज रहे हैं। और आज मैं आफ्टरनून में लैब इसलिए आई हूँ बिकॉज आज ईद है, तो हॉलीडे है, तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन तो बनता है। और आप सब लोगों को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज मैं बहुत दिनों से व्लॉग कर रही हूँ बिकॉज लास्ट कुछ दिनों में मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी। इवन दो तो आने वाले कुछ हफ्तों में भी मैं बिजी रहूंगी, लाइक 2-3 हफ्ते मैं थोड़ा बिजी रहने वाली हूँ, क्योंकि मैं अपने सिनॉप्सिस के लिए प्रिपेयर कर रही थी। और आपको सारी चीज़ें मैं लैब में जाके बैठ के प्रॉपरली बताने वाली हूँ कि मैं कहाँ पे बिजी थी। एंड बाकी सब चीज़ें एकदम बढ़िया चल रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। काफ़ी सारे लोग मुझे पर्सनली मैसेज करके पूछ रहे थे कि आप वीडियोज़ क्यों नहीं बना रहे हो, कहाँ पर चले गए हो। मैं कहीं नहीं गई हूँ, मैं अभी यहीं पर हूँ। थोड़ा सा बिजी हूँ, थोड़ा सा अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, अपने सिनॉप्सिस के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। एंड आई एम एब्सोल्युटली फाइन। और आने वाले हफ्तों में शायद हो जाएगा मेरा सिनॉप्सिस, तो उसके बाद मैं रेगुलरली ट्राई करूंगी वीडियोस बनाने का। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि 3-4 चीजें एक साथ चल रही है पैरेलल, तो थोड़ा सा मैनेज नहीं हो पा रहा है। बट आज का जो वीडियो है उसमें मैं थोड़ा सा आपको अपडेट देना चाह रही थी कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं कहाँ पे हूँ, मैं कैसी हूँ। मैं एकदम ठीक हूँ और आई एम डूइंग गुड, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। तो अभी सबसे पहले मैं लैब जाऊँगी और वहीं चल के आपको थोड़ा अपडेट देती हूँ। तो चलो चलते हैं लैब और वहीं चल के आपको सब बताती हूँ। One eternity later. अभी शाम के 5 बज रहे हैं और मैं सोच रही हूँ चाय पी के आती हूँ। और साथ में ही जो हमारे यहाँ के वॉशरूम हैं इनमें पानी नहीं आ रहा, तो मैं उस साइड से पानी लेके आऊँगी, चूसी वेल वाला डिपार्टमेंट है उस साइड से। और नीचे हमारा जो देसी अर्बन चाय वाला कैफे है वहाँ पे चाय भी पी के आऊँगी। तो चलो चलते हैं। One eternity later. अभी रात के 2 बज रहे हैं ऑलमोस्ट, और मैं अभी रूम पे जाने का प्लान कर रही हूँ। बट मुझे भी याद आया कि आज मैं आप लोगों को थोड़ा सा ऐसे शेयर करने वाली थी कि मैं कहाँ पे बिजी हूँ। और जब मैं चाय का कप लेने गई थी और चाय पीने गई थी, उस टाइम पे इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि मैंने चाय लिया और तुरंत मैं लैब आ गई और आके काम करने लग गई। इवन दो मैं जब शाम को डिनर के लिए गई तब भी मैं भूल गई थी कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना है। बट अभी मुझे याद आया कि यार आपको थोड़ा कुछ आइडिया देती हूँ मैं कहाँ पर बिजी हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी मेरा सिनॉप्सिस होने वाला है नेक्स्ट 1 or 2 वीक में, तो मैं उसके लिए अपना ये सब प्रिपेयर कर रही थी जैसा कि आप देख सकते हो। और कई बार आप लोग मुझसे पूछते हैं कि मेरा जो टॉपिक है वो कौन सा है, तो आप यहाँ पे टाइटल से आइडिया लगा सकते हो कि मेरा टॉपिक है वो कौन सा है। तो यहाँ पे ये मैंने कुछ स्लाइड्स वगैरह प्रिपेयर की हैं अपनी प्रेजेंटेशन के लिए, और इसके साथ में मैंने अपनी सिनॉप्सिस रिपोर्ट है वो भी बना ली है, ऑलमोस्ट डन है, शायद बन चुकी है। यहाँ दिखाती हूँ आपको ये भी। इवन दो मेरे 1-2 इंटरव्यूज़ भी थे बीच में, तो मैं वहाँ पर भी बिजी थी, तो इस वजह से बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाया था। और हाँ, मैंने एक चेंज और नोटिस किया, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे मेरी लैब में कर्टन वगैरह भी लग गए हैं, तो काफ़ी अच्छा हो गया, वरना इधर से धूप आती थी। और इस टाइम पे लैब में कोई भी नहीं है और मैं भी रूम पे जाने का प्लान कर रही हूँ, क्योंकि सुबह जल्दी आना है, कल वर्किंग डे है, तो मेरी मीटिंग्स वगैरह भी हैं। तो मैं सोच रही हूँ फटाफट से मैं अभी सारा कुछ है वो रैपअप करती हूँ और रूम के लिए निकलती हूँ। तो चलो पहले मैं ये सब पैक करती हूँ, देन आपको नीचे चलते हुए मिलते हैं। तो अभी मैं डिपार्टमेंट से निकल चुकी हूँ, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा है, पता नहीं क्यों आज सारी लाइट्स हैं वो ऑफ हैं। और मैं अभी अपनी साइकिल लेके सीधा हॉस्टल पहुँचूँगी। आप देख सकते हो आसपास में कोई भी नहीं है अभी, क्योंकि लोग जा चुके हैं। तो चलो हम लोग भी चलते हैं।